हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके हैप्स। आज के वीडियो में हम ये बच बनाएंगे जो हमें यूपी के पैकेट में मिली है और उसके हमें कटआउट मिले थे, इसको हम उसी को हम बनाने जा रहे हैं आज। हाँ चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। चलिए शुरू। फ्रेंड्स, हमें एक यूपी का पैकेट में ये कार्ड मिला है जिसमें हमें बस का कटआउट बना है। अब हमें इस बस को कंप्लीट करना है। मैं इस बस के पार्ट्स काट रही हूँ। सबसे पहले मैं बस के पीछे के पार्ट्स कट कर लूँगी। ये ऐसे कट करने के बाद मैं उसका आगे का पार्ट कट कर लूँगी, फिर मैं बस का पार्ट करूँगी कट। ये मैंने कर लिया है। मैं इनको फोल्ड मैंने भी कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा आगे पीछे का कटआउट फोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो जो हमारी यूपी की हमें बस मिली है वो हमारी बनेगी। ये मैंने ऐसे कटआउट फोल्ड कर लिए हैं। अब ये जो हमारा पीछे वाला था पार्ट, बस के पीछे वाला पार्ट, इसको हम चिपका लेंगे स्टेपलर से। चलिए फिर अब हम इसको स्टेपलर से चिपकाते हैं। आप टेप से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये ग्लू से नहीं चिपके, ग्लू गन से ही चिपकेगा। अब मैं इसको स्टेपल करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका आगे, मैंने पीछे का पार्ट ऑलरेडी स्टेपल कर लिया है। अब मैं इसका आगे का पार्ट स्टेपल करने जा रही हूँ। अब मैं फिर से एक स्टेपल इसके ऊपर लगा लूँगी जिससे कि ये जो हिल रहा है हिलना बंद हो जाए। ये फिर से हिलेगा तो मेरे को इसके अंदर 3 स्टेपल लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये हिलेगा और फिर जो हमारी बस है बस का ये हिलता ही रहेगा डोर। ये देखिए फिर से हिल रहा है। सो मैं सोच रही हूँ एक स्टेपल और लगा लेती हूँ उसके अंदर, पर मैंने लगाया नहीं। ये देखिए अब मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखिए आगे मैं स्टेपल लगाने जा रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ स्टेपल लगा दिया मैंने एक और, जिससे कि हिल नहीं रहा है, बिल्कुल हल्का सा हिल रहा है। बाकी अब मैं साइड का स्टेपल कर लूँगी। थोड़ा सा मुश्किल होगा बट हमने पीछे का कर लिया है तो आगे का करना तो बनता ही है। पीछे का अगर हमें डिफिकल्ट नहीं लगा तो आगे का क्यों लग रहा है ना। एक स्टेपल कर लिया है हमने, अब हम एक और बार स्टेपल कर लेंगे जिससे ये हिलना बंद हो जाए। हिलते ही है, स्टेपल से तो कोई चीज़ होती है तो कोई चीज़ हिलती ही है ना। ये देखिए हमने स्टेपल कर लिया है। देखिए जिस जो हमारे बस का आगे पीछे का था, आप सोच रहे होंगे इतना छोटा कटआउट, लेकिन जिस बस के ऊपर का है ये खिड़की है। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे देखते हैं हमें करना क्या है। अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ इसकी ये वाली साइड्स। ये देखिए फोल्ड कर रही हूँ मैं इसके आगे की जो थोड़ी सी साइड निकली हुई है ना, उसको फोल्ड कर रही हूँ मैं। ये देखिए अभी मैं एक और कोई चीज़ स्टेपल कर रही हूँ। देखिए हिल रहा है, फिर से मैंने इसको स्टेपल कर दिया है, एक पिन लगा दिया इस पर स्टेपल करके। पीछे वाले पार्ट पे लगाई है मैंने, आगे वाले पे नहीं। पीछे वाला अलग है, आगे वाला अलग है, दोनों ही पार्ट्स अलग हैं बस के और अलग अलग ही होते हैं। अगर हम बस के अंदर किसी को बिठाएंगे तो वो तो गिर ही जाएंगे, बस के नीचे से निकल ही जाएंगे। तो हमें बस के नीचे का भी बनाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पेपर बच गया था अब उसके ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हम उस सी मार्क को कट कर लेंगे, जिससे कि जो जो बस का नीचे का पार्ट है वो भी हम इसके ऊपर चिपका लें। अब मैं कट करूँगी। देखिए मैं कट करने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ से इस पार्ट को कट कर लूँगी जिससे कि जो हमारी बस के नीचे का है वो भी अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए मैंने कर लिया है। और अब मैं साइड से मैं इसका थोड़ा सा राउंड शेप कर रही हूँ। पूरी कॉर्नर्स पे से हमें राउंड शेप करना है, हल्का हल्का सा और सेम इंच के होने चाहिए। ये देखिए ऐसे मैंने कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर स्टेपल करके या टेप लगा के इसको चिपका लूँगी। ओके चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे चिपकाना है। अब मैं इसको चिपकाने जा रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं, स्टेपल से ही चिपका पाएंगे। स्टेपल से करना थोड़ा ज़्यादा सा मुश्किल हो सकता है। सो आप टेप का या ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन के लिए आपको बड़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लू गन से आपके हाथ भी चिपक सकते हैं, क्योंकि ग्लू गन
फेविकॉल या फिर फेविक्विक से भी खतरनाक होती है। मैं स्टेपल का काम कर रही हूँ इसलिए क्योंकि जो फेविकॉल होती है वाइट कलर की, उससे चिपकता नहीं है, सो इसलिए मैं स्टेपलर से चिपका रही हूँ। मैंने भी मम्मी की ही हेल्प ली थी, आप किसी और की, दादा दादी पापा या अपने बड़े भाई। मैंने स्टेपल करवा दिया मम्मी से, अब दो तरफ मैंने टेप लगा ली है जिससे जो हमारे बस के पार्ट्स है रेडी हो गए हैं। मैं आपको पूरी तरह से दिखा रही हूँ, ऐसे हम चला चला के इसको खेल सकते हैं। ये देखिए ऐसे हम खेल सकते हैं, इसके अंदर कोई भी पेपर का बिठा के। बाय फ्रेंड्स।